अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद फरीदुद्दीन सिद्दीकी, 99 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया के खबरनामे में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आइए जानते हैं आज की खबर पर नजर। नाज़रीन, खबर के इख्तिताम पर हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, खासकर बेल के बटन को दबाना बिल्कुल ही ना भूलें, जिससे हमारी खबर की तरह आपको मिलती रहेगी। आइए जानते हैं इस खबर पर नजर। खुश आमदीद नाज़रीन, आप तमाम का खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की जानिब। आसिफ नगर पुलिस ने हफ्ते के रोज़ 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो बुध की रात मल्लेपल्ली में मुबैना तौर पर एक शख्स के कत्ल में मुलव्वस थे। गिरफ्तार शुदा मुलजिमान की शिनाख्त कुछ इस तरह से की गई। पहला मुलजिम मोहम्मद उमर बिन हुसैन उर्फ शाहिद उमर 29 साल, दूसरा मुलजिम मोहम्मद ख्वाजा उर्फ पाशा उमर 32 साल, तीसरा मुलजिम शेख फेरोज़ पाशा उमर 30 साल और सैयद गौस उमर 32 साल के तौर पर की गई। तमाम कारवान आसिफ नगर के रहने वाले बताए गए। साउथ वेस्ट मुतासरा शेख अली उर्फ अलीम 32 साल हबीब नगर पुलिस स्टेशन हदूद के तहत हिस्ट्री रोडिशीटर बताया गया और मोबाइल फ़ोन छीनने के कई मामलों में मुलविस था। अलीम जोग के बाकायदगी से शराब पीता था और मामूली बातों पर मुलजिमान से झगड़ा करता था। बाज़ औक़ात इसने शराब खरीदने के लिए इनसे पैसे छीन लिए। अहलकार ने बताया के 5 रोज़ कबल अलीम ने किसी बात पर पब्लिक गार्डन के करीब शाहिद को मारा पीटा था। पिटाई के बाद जिल्लत महसूस करते हुए शाहिद ने अलीम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया और इसने अपने साथियों की मदद से मक्तूल को कत्ल करने का मंसूबा बना लिया था। ये जानकर के अलीम मल्लेपल्ली में शराब की दुकान के पास बैठा है। 4 मुश्तबा अफराद शाहिद पाशा फेरोज़ और गौस एक ऑटो रिक्शा में वहाँ पर पहुँच गए। शाहिद ऑटो से नीचे उतरा और चाकू ले लिया, जिसका इस्तेमाल करते हुए इसने अलीम पर हमला किया, जिसके नतीजे में इसकी मौत हो गई। उदय कुमार रेड्डी ने बताया कि शाहिद पाशा और गौस का मुजरिमाना रिकॉर्ड है और वो कई सारे मुकदमात में मुलविज है। फिलहाल पुलिस ने चारों मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से एक चाकू और एक पैसेंजर ऑटो को भी जब्त कर लिया। आइए जानते हैं इस खसूस में तमाम तर तफसील। पेश है हमारे नुमाइंदे रिपोर्टर शेख जहांगीर की यह खसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की मज़ीद तफसीलात से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। 19 तारीख में नाइट टाइम में एक मर्डर हुआ। ये मर्डर में शेख अली बोल के डिसीज रहे ये आगापुर नामपल्ली वाला है। उनका ये मर्डर में मेन उसमें A1 मोहम्मद उमर बिन हुसैन, वो मोहम्मद ख्वाजा, शेख फिरोज पाशा, सैयद गौस, चारों एक्यूज रहे। ये पूरा ये डिसीज एंड एक्यूज पूरा फ्रेंड्स है। ये लोग पूरा मिलके फिरते, कभी कभी ये पीने के टाइम में झगड़ा हुआ था, थोड़ा प्रॉब्लम होता। कभी ये डिसीज क्या हुआ, उन्होंने ऑलरेडी राउडी शीटर है। उन्होंने मोहम्मद बिन उमर हुसैन को एक बार ऐसा थ्रेटन कर रहे थे, पैसा लाओ, पर पीने का पैसा पूछे तो नहीं दिया। उन्होंने थोड़ा डराए तो उन्होंने कैसा भी कभी भी पीने के टाइम में हमको मारते बोल के उन्होंने प्लान करके ये रिमेनिंग 3 एक्यूज से प्लान करके उन्होंने वो दिन जाके पीने के टाइम में एक गली में बैठ के पी रहे डिसीज। वो टाइम में लेकर लेने के टाइम में उन्होंने जाके ये बड़ा नाइफ थे मारे, इमिडिएटली उन्होंने गिर गए तो विद इन 5 मिनट्स में पुलिस रीच हो गए। उनको हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जाने तक मर गए। इमिडिएटली टास्क फोर्स एंड हमारा लोकल पुलिस इमिडिएटली वो सेम नाइट में केस डिटेक्ट कर दिया। इमिडिएट 24 आवर्स में डिटेक्ट हो गया। इमिडिएटली अरेस्ट भी अभी बता रहे हैं। अभी ये पूरा आदमी को कोर्ट में प्रोड्यूस करते हूँ। ये पूरा लोकल्स है, विद इन द नोन फ्रेंड्स है। वो लोग पूरा विद इन बिटवीन में मर्डर हुआ। डेफिनेटली वो लोग भी अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके कोर्ट में चार्जशीट डालते, वो सदा करने का प्लान करते हैं। ये डेली वेजेस कूल करते ड्राइवर, एक ऑटो ड्राइवर है, पूरा ऑर्डिनरी पीपल है, पूरा लेबर टाइप पीपल है। वो लोग अच्छा फैमिलीज भी, बैकग्राउंड भी अच्छा नहीं, थोड़ा उनको भी काउंसलिंग भी होना। ये लोग डेली पीते, डेली रेगुलरली लिकर कंज्यूम करते ये लोग। वाइन शॉप के हैंड कोई ऐसा केस उनकी पहचान है, डेली पीते करते पूरा। अच्छा, वाइन शॉप के एकदम तो ये रोज का है सर। ओके, अभी कल से अभी वो ओपन ड्रिंकिंग में भी पूरा उसके टीम्स बनाया, बाहर में एलो नहीं करते वो भी, उसके बारे में भी पुलिस नजर रखे, अभी से वो भी कंट्रोल करते पूरा। देखिए ना, वाइन शॉप सामने वो ये गली में भी उन्होंने पी रहे वाइन शॉप्स के, थोड़ा ये अब ऑपोजिट गली में होना है पूरा।
उसके बारे में एक्शन लेते हैं अभी से, पूरा ओपन ड्रिंकिंग भी कंट्रोल कर रहे पूरा। थैंक यू।